हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी एंड पीजीटी म्यूज़िक वोकल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलिए आइए इनको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आड़ा चार ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 28, 14, 11 या फिर 10। हम जानते हैं कि आड़ा चार ताल में मात्राओं की संख्या जो होती है वो 14 होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, समज्जा नामक संगीत उत्सव का आयोजन पुनः किस समय होने लगा, गुप्त काल, मौर्य काल, राजपूत काल या महाभारत काल। तो हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, मौर्य काल। मौर्य काल के टाइम पर समज्जा नामक संगीत उत्सव का आयोजन फिर से होने लगा था। थर्ड क्वेश्चन ये है कि संगीत यानी शास्त्रीय संगीत की किस ताल को सोलो वादन में भी बजाया जाता है, कौन सी ऐसी ताल है जिसको सोलो वादन में बजाया जाता है, 3 ताल, गज झंपा, रुद्र ताल या फिर 1 ताल। तो करेक्ट आंसर हम जानते हैं वो है 1 ताल। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 ताल किस जाति की ताल है, मिश्र, खंड, चतस्र या संकीर्ण। तो हम जानते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ चतस्र जाति की ताल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 ईस्वी में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन के लिए विदेश जाने वाली विभूति कौन थी, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, हबीबुद्दीन खां या सामता प्रसाद। मतलब कि 1960 ईस्वी में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन के लिए कौन सी जो विभूति थी वो विदेश गई थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्लाह रखा खां, ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उमराव खान का संबंध किस घराने से है, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या किराना घराना। जो उमराव खान किस घराने से रिलेटेड थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ दिल्ली घराना, ये जो थी ये दिल्ली घराना से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दुर्गा के समान दक्षिण भारत में जो राग प्रचलित है उसे किस नाम से जानते हैं। हमें ये चीज़ पता है कि उत्तरी संगीत पद्धति में और दक्षिणी संगीत पद्धति में जो थाटों के नाम है वो अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि दुर्गा के समान जैसे हमारे यहाँ उत्तरी संगीत में दुर्गा राग बोलते हैं वैसे दक्षिणी संगीत में किस नाम से जानते हैं, शुद्ध सावेरी, बिलावल थाट, प्रेमिसा या मधुवंती राग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शुद्ध सावेरी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण क्या है, रस, भाव, नाथ या शोक। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का जो प्रधान गुण है वो रस होता है, किसी भी कला में रस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, सितार में फिक्रे बजाने की परंपरा प्रारंभ की थी उनका नाम क्या है, परवीन सुल्ताना, अमीर खां, अमृत सेन या फिर डॉक्टर लाल मणि मिश्र। तो करेक्ट ऑप्शन है अमृत सेन, इन्होंने ही फिक्रे बजाने की जो परंपरा है वो शुरू की थी। नेक्स्ट है, टप्पा गायन किस भाषा में किया जाता है, तो हिंदी, अवधी, संस्कृत या पंजाबी। तो हमें पता है कि जो ये टप्पा गायन है ये पंजाबी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में होरी के कितने प्रकार प्रचलित हैं, होरी के कितने प्रकार प्रचलित हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट वन पर आते हैं, नारदीय शिक्षा संगीत ग्रंथ की रचना कब हुई, जो नारदीय शिक्षा एक संगीत ग्रंथ है इसकी रचना कौन से काल में हुई थी, मध्यकाल, बौद्धकाल, आधुनिक काल या वर्तमान काल। सो द करेक्ट आंसर विल बी मध्यकाल, नारदीय शिक्षा ग्रंथ की जो संगीत रचना वो मध्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पत्रिका के किस स्थान से प्रकाशित होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो संगीत पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है, ऑप्शन है हाथरस, कोलकाता, कानपुर या मिर्ज़ापुर। तो करेक्ट ऑप्शन है हाथरस। ओके, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं 14 नंबर पर, कि सर्वप्रथम हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन किस जगह किया गया था, एक सम्मेलन है उसका नाम है हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन, उसका आयोजन किस जगह किया गया था, नासिक, कर्नाटक, जालंधर या फिर वाराणसी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा जालंधर, ये जो आयोजन है ये जालंधर में किया गया था। सितार की किन 2 तारों पर झाला वादन होता है, बाज, चिकारी, सारिका या मिजरा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर चिकारी।
ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस में हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी, अभी 15 क्वेश्चन मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचा दिए जाएँ। तो